दोस्तों, दुबई एक ऐसी दुनिया है जो अपनी शान और शौकत के लिए जानी जाती है। इस दुनिया में जिंदगी जीने का ख्वाब हर कोई देखता है, लेकिन दुबई की कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें हर किसी को जानना जरूर चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े अय्याशी वाले देश दुबई के बारे में आज कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आपको एकदम हैरान कर देगी। दुबई में रहने वाले कुल 17% आबादी दुबई की है, बाकी की आबादी फॉरेनर की है। दोस्तों, भारत से कई लोग दुबई में जॉब की तलाश में जाते हैं, जहां उनका शोषण होता है। वहां जाते ही उनका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाता है और फिर बड़ी मुश्किल से ये लोग अपने देश आ पाते हैं। दोस्तों, दुबई में आने वाले लोगों को अभद्र कपड़े पहनने से मना किया जाता है। ऐसे कपड़े जिनमें शरीर की नुमाइश होती है। यूएई ने सभी सार्वजनिक स्थानों, समुद्र तटों, क्लबों और बार में अभद्र कानून लागू किया है। दोस्तों, दुबई में क्राइम रेट शून्य है। जहां कई देशों में अपराध दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, वहीं दुबई में क्राइम रेट ना के बराबर है। इसकी वजह है यहां का इस्लामिक कानून, जो कि काफी ज्यादा सख्त है। अपराध न होने की वजह से ही दुबई को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। दुबई एक ऐसा शहर है जहां पर कोई एड्रेस सिस्टम नहीं है, मतलब वहां पर कोई भी पिन कोड या जिप कोड नहीं है। अगर दुबई में आपको किसी पते पर पहुंचना है तो आपको उस जगह के आसपास वाले किसी बिल्डिंग या होटल का नाम बताना पड़ेगा। ज्यादातर लोगों का मानना है कि दुबई इतना अमीर होने की वजह है वहाँ पर पाए जाने वाला बेशुमार तेल, लेकिन ऐसा नहीं है। दुबई की अर्थव्यवस्था का सिर्फ 6% भाग ही तेल पर निर्भर करता है। दुबई का ज्यादातर इनकम रियल एस्टेट और टूरिज्म बिजनेस से आता है। दोस्तों, दुबई पुलिस के पास कोई साधारण गाड़ी नहीं होती, वो फरारी, लैम्बोगर्नी जैसी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, जिसे 90 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है, वो भी दुबई में ही मौजूद है, जिसका नाम है बुर्ज खलीफा। दोस्तों, वर्ष 1960 तक दुबई में देखने लायक कुछ भी नहीं था। फिर वहाँ तेल की खोज हुई और देखते ही देखते दुबई इतना विकसित हो गया कि वो दुनिया के सबसे अमीर शहरों में गिना जाने लगा। वर्ष 1990 में दुबई में सिर्फ एक ही ऊंची इमारत थी, जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। लेकिन अब दुबई में 911 से भी ज्यादा ऊंची इमारतें मौजूद हैं, और जो बन रही हैं वो अलग से। आप लोगों ने डिज्नीलैंड के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है दुबई में बन रहा है दुबई लैंड, जो कि डिज्नीलैंड से 2 गुना बड़ा है, और यह वर्ष 2020 तक बनकर तैयार हो जाएगा। क्या आपको पता है दुबई में घर में बैठकर शराब पीने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। बिना लाइसेंस के आप ना तो शराब पी सकते हैं और ना ही घर में शराब रख सकते हैं। दोस्तों, दुबई दुनिया का इकलौता शहर है जहां लोगों को इनकम टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दुबई टैक्स फ्री शहर है। दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा होटल बुर्ज अल अरब, इसकी ऊंचाई है 1053 फीट, और यह दुनिया का इकलौता 7-स्टार होटल है। इस होटल का एक दिन का किराया लगभग 13 लाख रुपये है। दुबई के द पाम जमेरा मनुष्य द्वारा बनाया गया दूसरा ऐसा कार्य कला है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। पहले स्थान पर है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। दोस्तों, अगर आपका इस बारे में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।